स्वागत है आप खबर में देश की सबसे बड़ी खबरों के साथ। देश की सबसे बड़ी पहली खबर, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के शताब्दी दिवस समारोह में भाग लेंगे प्रेम मोदी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मोदी 25 नवंबर यानी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शताब्दी दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय के 100 साल पूरा होने पर एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। इस दौरान वह एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। दूसरी देश की सबसे बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने अलीबाबा समेत 43 मोबाइल एप्स पर लगाई रोक। जी हां, भारत सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 43 मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने इस संबंध में कहा कि इन एप्स के खिलाफ यह कार्रवाई भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा के लिए की गई है। तीसरी देश की सबसे बड़ी खबर, आज होगी हाथरस केस की सुनवाई। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में आज हाथरस केस की सुनवाई होती है। कोर्ट में सीबीआई अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी, जिस पर सबकी निगाहें हैं। हाल ही में सीबीआई ने चारों आरोपियों का गुजरात में पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया है। इससे पहले 2 नवंबर को जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस राजन रॉय की डिवीजन बेंच में पीड़ित परिवार को सुना था और 5 नवंबर को अपने आदेश में सीबीआई से पूछा था कि मामले की विवेचना कितने समय में पूरी होगी। चौथी देश की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र में बिना कोरोना रिपोर्ट नहीं होगी एंट्री। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा के लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही अब महाराष्ट्र में प्रवेश की इजाजत मिलेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे नीत गठबंधन सरकार ने इस संबंध में जरूरी कदम उठाते हुए गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें दिल्ली एनसीआर, गोवा, गुजरात और राजस्थान के यात्रियों को महाराष्ट्र में आने के लिए अपनी आरटीपीसीआर अपने साथ लानी होगी। पांचवी देश की सबसे बड़ी खबर, जो कि जुड़ी है खेल क्षेत्र से, आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड के लिए नॉमिनेट हुए विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन। जी हां, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली और स्टार ऑफ द स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित करने की मंगलवार को घोषणा की। रोज की ताजा खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें डियर रुकी चैनल को, नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबाइए और साथ में आए हुए बेल आइकॉन यानी कि घंटे के निशान को दबाइए, ताकि जब भी ताजा खबर आए आपके सामने प्रस्तुत हो जाए।